चलिए सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की करते हैं। वहां की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि कैसे वहां पर पानी की गंभीर किल्लत के चलते बंदूकों से पानी की पहरेदारी की जा रही है। पानी चोरी रोकने के लिए बंदूकधारी गार्डों की तैनाती कर दी गई है टीकमगढ़ में। करीब हर साल ऐसा ही होता है। टीकमगढ़ में भयावह जल संकट के चलते पानी की चोरी रोकने के लिए टीकमगढ़ नगर पालिका ने जामुनी नदी पर बंदूकधारी गार्ड तैनात कर दिए हैं। टीकमगढ़ से 52% से कम बारिश होने से किसानों पर भी तालाबों से पानी लेने की पाबंदी लग गई है। जल संकट के चलते सागर संभाग के 5 जिलों के 1 करोड़ लोगों के सामने प्यास बुझाना भी मुश्किल हो गया है। हर साल की तरह इस साल भी पानी की समस्या गंभीर होती हुई नजर आ रही है। यहाँ हम सर पानी की रखवाली करते हैं। तो किसकी तरफ से नियुक्त हैं? हमें नगर पालिका ने नियुक्त करो है, अध्यक्ष जी ने। तो कितने कितने दिन टाइम रुकते हैं आप लोग यहाँ? हम लोग 8-8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। तो यहाँ पानी कौन चुरा ले जाता? किसान अगल बगल के में जो किसान लगे यूपी सीमा के, यूपी ताई के, हाँ। उत्तर प्रदेश के, तो भी अपनी मोटर से किसानी के लिए पानी चुरा रहे हैं। अच्छा, और नगर में पानी कहाँ, यहीं से सप्लाई हो? नगर में यहीं से ज़्यादा, पूरे शहर में वहाँ पर 80,000 की आबादी से के लगभग है, तो सब लोग यहीं से पानी पीते हैं। अभी नगर में कितने दिन में पानी सप्लाई? वहाँ 3-4 दिन में पानी की सप्लाई हो रही है। चलिए बात जरा महाराष्ट्र के लातूर की कर लेते हैं, जहां पानी को लेकर होने वाली हिंसा के मद्देनजर लातूर प्रशासन ने सीआरपीसी के तहत धारा 144 लागू कर दी। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है, जब देश के किसी हिस्से में पानी के लिए धारा 144 लगाने के आदेश दे दिए गए हों। चलिए एक कड़वी सच्चाई आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। देश के कई हिस्सों में अक्सर किसी न किसी कारण से दंगों की खबरें तो सुनने को मिलती रहती है, लेकिन शायद आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि कहीं पानी को लेकर दंगा हो गया हो। हाँ, सही सुना, महाराष्ट्र के लातूर में कुछ ऐसी ही स्थिति पैदा ना हो जाए, इस आशंका के मद्देनजर प्रशासन ने वहाँ पर धारा 144 लागू कर दिया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के कई इलाकों में सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है और उसमें लातूर जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। पानी को लेकर होने वाली हिंसा के मद्देनजर लातूर प्रशासन ने सीआरपीसी के तहत धारा 144 लागू कर दी है, जिसके तहत 4 या 4 से ज्यादा लोगों का एक स्थान पर इकट्ठे होने पर प्रतिबंध लग गया है। प्रशासन ने छिटपुट घटनाओं के बाद ये फैसला किया है। ये धाराएं उन सभी जगहों पर लागू रहेंगी जहाँ पानी के स्रोत उपलब्ध है। इसमें तालाब, कुएं और अन्य स्रोत शामिल हैं। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है, जब देश के किसी हिस्से में पानी के लिए धारा 144 लगाने के आदेश दे दिए गए हों। पानी को लेकर होने वाली हिंसा के मद्देनजर लातूर के जिलाधिकारी पांडुरंग पोल ने ये आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के मुताबिक जिले के करीब 20 स्थानों पर धारा 144 लागू की गई है, जो अगले 31 मई तक प्रभावित रहेगी। गौरतलब है कि सूखे की वजह से महाराष्ट्र में इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए हैं। सूखे की वजह से किसानों की फसलें पूरे तरीके से बर्बाद हो गई है। इतना ही नहीं, पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किसान आत्महत्या भी कर चुके हैं। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार किसानों की मदद करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। इसके अलावा कई बॉलीवुड अभिनेताओं ने भी किसानों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। बावजूद इसके किसानों की आत्महत्या की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन एक तरफ देश के 9 राज्यों में सूखे से हालात बदतर हैं, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू का बयान सूखे से जूझ रहे लोगों के जख्मों पर और नमक लगाने का काम कर सकता है। दरअसल सूखे को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में वेंकैया नायडू ने कहा कि सूखा पड़ना उनके हाथ में नहीं है। वेंकैया का कहना था कि सूखा क्या हमारे हाथ में है, बारिश आएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर जो होता है वो हम देखते हैं। देश के 9 राज्य सूखे के संकट से जूझ रहे हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में सूखे ने किसानों के साथ साथ आम लोगों को भी बड़ी परेशानी में डाल दिया है। महाराष्ट्र के बीड में सूखे के चलते हालात इतने बदतर हो गए हैं कि वहां के किसान खुदकुशी को मजबूर हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पानी के लिए लोगों के बीच झगड़ा होना अब आम बात हो गई है। चार 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 दिन को पानी आता है, कभी आते हैं नली को पानी तो कभी नहीं, ऐसा खाली रहता पानी।
पानी से मिलता नहीं, एक एक टाइम नली खोलते हैं। फिर पानी नहीं मिला बोल के हमारे को थोड़ा गुस्सा करते हैं, आग पे आते हैं, पानी नहीं मिल रहा, आप उनकी नली को पानी नहीं खींच रहा, हम कैसा लाना। फिर मिल रहा है भैया, हम जैसा लेके आ रहे वो दे रहे, हिसाब से लो, इतना समझते हम लोगों को। कहाँ जाना पड़ता है, खेत में भी पानी नहीं, घर में भी पानी नहीं, फिर टैंकर आने के बाद पानी मिलता है, उसके लिए पानी की बहुत परेशानी है। जहाँ फिरेंगे वहाँ पानी नहीं है, खेती में भी नहीं है, घर में भी नहीं है, फिर फिरना तो किधर फिरना, आएगा तो टैंकर जो भी पानी मिलता है। वहीं जहाँ पानी की एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं, वहाँ आईपीएल जैसे आयोजन में टनों लीटर पानी बहा दिया जा रहा है, जिसके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाई। जहाँ पानी लोगों की प्यास बुझाने के लिए होना चाहिए, वो खरीदे गए खिलाड़ियों के पैरों तले कुचल दिए जाने वाले मैदानों को हरा भरा रखने के लिए बहाया जाना है। हम किसी भी खेल के खिलाफ नहीं है, लेकिन जहाँ पहले ही किसानों की आत्महत्याओं से घर परिवार के लोगों के बहते हुए आंसू रो रो कर सूख रहे हैं, वहीं प्रकृति ने भी सूखे की ऐसी मार लगाई है। जहाँ लातूर जैसे इलाकों में पानी की एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं, ऐसे में आईपीएल के मैचों के लिए मैदान बनाने में कई लीटर पानी की जरूरत है, और ये पानी खरीद कर मैदान में बहाया जा रहा है। ये सब तय भी हो चुका है और आईपीएल ने अपने इंतजाम भी कर रखे हैं। हम बस वही तो बता रहे हैं जो सोचने पर मजबूर करता है। देश दुनिया में कई तरह की समस्याओं के बावजूद कई तरह के आयोजन और कार्यक्रम होते रहते हैं, होते भी रहने चाहिए। आप किसी की मृत्यु और किसी के घर पैदा हुए बच्चे का उत्सव रोक नहीं सकते, लेकिन आप उस उत्सव को मातम के बीच तो नहीं मनाना चाहेंगे। क्या आईपीएल के मैचों को दूसरे राज्यों में जहां पानी की समस्या ऐसे विकराल रूप में नहीं है, वहां नहीं कराए जा सकते? ये सवाल वहां के लोग कर रहे हैं। क्या आईपीएल पानी के लिए तरस रहे इन लोगों के जख्मों पर नमक छिड़क कर ही नमकीन होना चाहता है? बहरहाल तर्क वितर्क के बाद अदालत का जो फैसला है वो मान्य है, किंतु आईपीएल के मैचों में पानी बहता देख उन सूखे और प्यासे गलों के लिए फांस होगा, जिनके लिए पानी की एक एक बूंद अमृत सी प्रतीत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। महाराष्ट्र के लातूर जिले की स्थिति समझने के लिए जयपुर से हमारे संवाददाता दिनेश डांगी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दिनेश, महाराष्ट्र के लातूर में बड़ी ही गंदी स्थिति आन पड़ी है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, दंगे कर रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आईपीएल का मैच कल शुरू होने वाला है, टनों पानी बहा दिया गया और गांव वाले जो है कह रहे हैं कि अगर एक बूंद पानी भी मिल जाता तो हमारे लिए अमृत होता, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह जो लातूर के जो हालात गर्मी की दस्तक के साथ ही बिगड़ते जा रहे हैं कि कोर्ट को उसमें फटकार लगानी पड़ी और उसके बाद जो राहत पैकेज केंद्र के जरिए दी गई, लेकिन हालात वहाँ इस कदर जो है बिगड़ते जा रहे हैं कि एक बूंद के लिए किसानों को लोगों को तरसना पड़ रहा है और कोर्ट को उसमें जो है दखल अंदाजी देनी पड़ रही है। तो अभी तो गर्मी का जो है सिलसिला ही शुरू हुआ है और मई में क्या हालात होंगे वो है, हालांकि पहले भी लातूर में इस तरह के हालात पैदा हुए हैं, लेकिन काफी सालों बाद एक बार फिर अकाल ने की जो आहट है वो वहाँ पर अभी से दस्तक देने लगी है और इस तरह के जो हालात है वो काफी शर्मनाक है और जिस तरह कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है उसे हालात कितने भयावह है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरी तरफ जो मंत्री हैं वेंकैया नायडू वो भी इस तरीके के बयान दे देते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, बारिश होगी तो देखा जाएगा, अगर नहीं होती उसके बाद हम कुछ करेंगे। ऐसे में बड़ी निराशा उन ग्रामीणों को हाथ लगती है, किस तरीके के इंतजाम आगे किए जाएंगे अगर खुद मंत्री साहब इस तरीके के बयान देते हैं? जी देखिए, एक और जहाँ भारत सरकार है, जो केंद्र सरकार है भाजपा की, वो जल स्वावलंबन और नदियां जोड़ने की योजना जैसी बातें कर रही है, ऐसे में अगर सरकार जो है पानी का संरक्षण नहीं करेगी, उसकी बचत नहीं करेगी, तो फिर आखिर देश में कौन जो है पानी सहेजने का काम करेगा? तो ये बयानबाजी भी जो कह सकते हैं उनके जो मरहम है उनको छेड़ने जैसा, ये नमक लगाने जैसा ये काम है, क्योंकि पानी के बिना कुछ भी चीज जो है संभव नहीं है। ऐसे में महाराष्ट्र में भी भाजपा की सरकार है, अगर जिन्हें अगर आईपीएल की इतनी चिंता है जिसपे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, तो क्या पानी जो जल स्रोत है उसमें जो बचा हुआ है, पहले से अंदेशा रहता है कि इस बार गर्मी ज्यादा पड़ेगी, पानी की कमी है, ये मैनेजमेंट सरकारों का होता है। तो कह सकते हैं कि अपनी जिम्मेदारी से और नाक कटने से बचने जैसा बयान यहाँ पर जो है मंत्री दे रहे हैं।
और दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि ये मामले जो है कि पानी की वजह से दंगे होते हैं, आत्महत्याएं की जाती है, पहले भी कई बार सामने आए हैं, लेकिन एक बार फिर से सर्दी के बाद जब गर्मियां आती हैं तो इंतजाम क्यों नहीं किए गए? दूसरी तरफ आईपीएल का मैच और टनों पानी बहाया जाना और दूसरी तरफ पानी की किल्लत होना और उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार भी ज्यादा गंभीर तरीके से ना लेना किस तरफ इशारा करता है? क्या एक नासूर उनके लिए बनता जा रहा है, उन ग्रामीणों के लिए जिनके लिए पानी ही नसीब नहीं होता, और दूसरी तरफ लापरवाह वो लोग हो रहे हैं प्रशासन के अधिकारी जिन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार जो है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? ये बिल्कुल, क्योंकि सिंचाई और जलदाय विभाग है, उनका पूरा काम ये रहता है कि गर्मी में किस तरह जो है सिंचाई के लिए और पीने का जो पानी है उसका बंदोबस्त जो है करना होता है, उसको स्टोरेज करना होता है। एक कंटीजेंसी प्लान है जो बनाया जाता है, लेकिन जब इनको पता है क्योंकि कंटीजेंसी प्लान बनता है तो कई तरह का मनरेगा में काम देना पड़ता है, चारा डिपो खोलना पड़ता है, लोगों को पेयजल की सप्लाई करनी पड़ती है और जो है राज्य सरकार को एक अलग से बजट जो है उसके लिए प्रावधान रखना पड़ता है, लेकिन सरकार जो है अन्य चीजों पर वो पैसे खर्च कर देती है और किसान वोट बैंक के नाम पर तो बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जब पीने और उनके सिंचाई के लिए पानी की बात आती है तो इस तरह गोलमाल करके जो है अकाल जो है उसकी आहट को दबाया जाता है। क्योंकि जब होता है हर बार मार्च में एक कंटीजेंसी प्लान रहता है कि किस बार इस बार जो है अप्रैल मई जून में जो है पानी का संकट गहरा सकता है, तो कह सकते हैं कि खुद के फटकार के बाद जो है सरकार की जो सारी जो सच्चाई है वो सामने आई कि किस तरह सरकारें होती है किसी भी राज्य में हो इसी तरह का एक कंटीजेंसी प्लान बाकायदा बनाया जाता है। बिल्कुल, और जो वहां की सरकार है फडणवीस की वो लगातार कोशिश भी कर रही है लेकिन वो यहाँ पर